चलिए ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था मोड ऑफ वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग। ललिता जांगे के नाम से आईडी किसके नाम लिख के सेंड करें, ठीक है। अब आज हम बात करते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। ऑर्गन पाइप ये दो टाइप की होती है बेटा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप ठीक है, ये ऑर्गन पाइप आपकी मेटल मेटल की बनी हुई हो सकती है, वुड की बनी हुई हो सकती है, जनरली ग्लास की भी कभी कभार बता देते हैं, बाकी जनरली मेटल और वुड की होती है। ठीक है, ग्लास की भी हो सकती है पर जनरली किसकी होती है, मेटल और वुड की होती है, बांसुरी टाइप में होती है। ठीक है, जैसे आपने हम साथ साथ है मूवी देखी है ना, उस मूवी में जब वो गाना गाते हैं धरती पे रूप माँ बाप का, ठीक है, उसमें जब उसकी बहन रोती है तो उसके फादर उसको चुप करने के लिए जब सॉन्ग बजाते हैं तो उसके उसके पास जो होता है वो क्या होता है, आपका ऑर्गन पाइप, क्या होता है उसके पास, वो ऑर्गन पाइप ऐसे देखो बनी होती है, देखो इस तरीके से बनी होती है ऑर्गन पाइप, आपने देखा होगा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है इस तरीके का, ऐसे देखो एक सबसे बड़ी डंडी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे पाइप सी बनी होती है ऐसे, और ये ऐसे आपस में लगी हुई होती है, ध्यान आ रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। हाँ इसे बोलते हैं ऑर्गन पाइप, एक पाइप होती है मेटल की, वुड की, मेटल ग्लास की, इस तरीके की, ठीक है। हमें इसके अंदर क्या करना है, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन की बात करनी है कि किस तरह की फ्रीक्वेंसी ऑर्गन पाइप में जनरेट होगी, किस तरह की क्लोज ऑर्गन पाइप में जनरेट होगी और किस तरह की ओपन ऑर्गन पाइप में, ठीक है। तो आपके पास, जैसे आपके पास ये क्या है कि अगर मैं बात करूं क्लोज ऑर्गन पाइप में या ओपन ऑर्गन पाइप में, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड पर, ठीक है, अगर ओपन है तो क्या होगा वहां पे, एंटी नोड, एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट एंड पर, और डिस्प्लेसमेंट एंड पर अगर क्लोज है, ये ओपन एंड पर बनेगा ये, और क्लोज पर क्या बनेगा आपका, नोड बनेगा, क्लोज पर क्या बनेगा आपका, नोड। देखो जैसे इसका कहने का मतलब क्या है कि ये एक पाइप है, ठीक है, तो ये ओपन एंड है, ये वाला एंड ओपन है तो यहां क्या बनेगा, एंटी नोड, और ये वाला एंड क्या है, क्लोज, तो यहां क्या बनेगा आपका, नोड। क्लोज एंड पर नोड बनेगा और ओपन एंड पर क्या बनेगा, एंटी नोड, ठीक है। क्लोज ऑर्गन पाइप कैसी होती है बच्चों, देखो ऐसी होती है पाइप सी, क्लोज का मतलब ये वाला एंड इसका क्लोज है, क्लोज का मतलब ये वाला एंड कैसा है, क्लोज है। ओपन का मतलब बेटा दोनों एंड कैसे हैं, ओपन, ये कैसा है ओपन ऑर्गन पाइप और ये कैसा है बच्चों, क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। ये जो बनाया मैंने ये कैसा बनाया, क्लोज ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड बंद है, ये आपका क्लोज ऑर्गन पाइप है, और जब मैं ओपन बनाऊंगी तो बिल्कुल मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊंगी, जिसके दोनों एंड कैसे हैं बच्चों, ओपन है, उसे बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, जिसका एक एंड क्लोज है और एक ओपन है उसे बोलते हैं बच्चों क्लोज ऑर्गन पाइप। पाइप बांसुरी की तरह आप एक मान सकते हो, मैंने इंस्ट्रूमेंट बताया आपको, ठीक है, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके गाने बजाते हैं ना उसमें, ठीक है, हाँ उसे बोलते हैं ऑर्गन पाइप, ठीक है, उसकी सुर ताल ध्वनि फ्रिक्वेंसी के हिसाब से कैसे वो जनरेट होती है, वो उस हिसाब से म्यूजिक वाले ज्यादा जानते हैं, बाकी होता है फिजिक्स का ही पार्ट है वो भी, ठीक है। ये बार नोट करिए, फिर इसमें मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं। कर लिया नोट, हाँ। अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ क्लोज ऑर्गन पाइप की,
क्लोज ऑर्गन पाइप। Closed organ pipe. Closed organ pipe. Organ pipe. ठीक है? Closed organ pipe. ठीक है? आवाज आ रही है ना सबको मेरी? Yes. Closed organ pipe कैसे बनेगी बेटा? मैंने बताया ये इस तरीके की जो पाइप है ये क्या कहलाएगी? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। इसमें फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन जो आपकी बन सकती है, इसके अंदर मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट एंड पर यहाँ पे क्या होगा आपका ये इस तरीके से, भाई फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन इसमें यही बन सकती है। मैंने कहा जो ओपन एंड है वहां क्या बनेगा? एंटीनोड। और यहाँ क्या बनेगा बच्चों? नोड। यहाँ क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे आपका नोड। ठीक है, यहाँ एंटीनोड बनेगा और यहाँ क्या बनेगा आपका? नोड बनेगा। ठीक है, हाँ। अब देखो एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस ये एल लेंथ है, एल बी द लेंथ ऑफ द पाइप। तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट फंडामेंटल मोड कहते हो इसको, फंडामेंटल मेंटल फ्रीक्वेंसी। या फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, हाँ देखिए मैंने बताया था एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस, मैंने बताया दो नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई टू, एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी बताई थी मैंने? लैम्डा बाई फोर। तो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? यहाँ पे आपकी लैम्डा बाई फोर। ये एल लेंथ किसके बराबर होगी बच्चों? लैम्डा बाई फोर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? वी बाई लैम्डा। अरे फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे मीडियम में बात करें तो क्या कहते हैं? वी बाई लैम्डा। तो यहां से लैम्डा निकालो, लैम्डा कितना हो गया बच्चों? फोर एल के बराबर। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ किसके बराबर आ गया बच्चों? वी बाई फोर एल। एफ वन कह देती हूँ मैं, V by 4 L, इसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। V by 4 L, ये क्या है बच्चों? फंडामेंटल मेंटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन द क्लोज ऑर्गन पाइप, इन द क्लोज ऑर्गन पाइप। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इसमें फर्स्ट ओवर टोन की। फर्स्ट ओवर टोन, फर्स्ट ओवर टोन या सेकंड हार्मोनिक कहने से पहले फ्रीक्वेंसी देखेंगे बच्चों। सेकंड हार्मोनिक तब कहेंगे अगर जो सेकंड जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो इस फर्स्ट की डबल आ जाए। जैसे कल आ रही थी सेकंड हार्मोनिक में क्या थी? 2F1। थर्ड हार्मोनिक 3F1। फोर्थ हार्मोनिक क्या थी? 4F1। फंडामेंटल की ऐसी आ रही थी ना, तो मैं इसको सेकंड हार्मोनिक तो तब कह सकती हूँ बच्चों जब ये फ्रीक्वेंसी आएगी। तो देखते हैं आएगी या नहीं आएगी बेटा। ठीक है, हाँ। तो ये आपके पास क्या है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। देखते हैं इसके अंदर कैसी मोड ऑफ वाइब्रेशन बन रही है और किस तरीके से सिचुएशन इसमें अराइज हो सकती है। तो देखो इसे मान लिया बच्चों कुछ इस तरीके से मोड ऑफ वाइब्रेशन बन रही है। एक मिनट, देखो इस तरीके से दिख रही है सबको? ये देखो मैं डार्क कर देती हूँ, नहीं दिख। एक ये और एक बेटा ये,
ये क्या बना बेटा? एंटी नोड। ये क्या बना बेटा? नोड। ये भी क्या बना बेटा? नोड। ठीक है, सेकंड ये बन सकता है मोड इसके अंदर। अब डिस्टेंस तो बच्चों ये एल ही है, पाइप तो एल लेंथ की थी। भाई पहले एक बार बजे पी, एक बार बजे पी 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 पी, ठीक है, एक बार पी, एक बार दो बार उसको वाइब्रेशन क्रिएट कर दी। तो सेकंड मोड हमने मान लिया, इस तरीके से वाइब्रेशन बनी आपके पास। ठीक है, तो देखो आप ये क्या है आपका नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चा? लैम्डा बाई फोर। फिर ये दो नोड है, दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चा? लैम्डा बाई टू। दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? लैम्डा बाई टू। अब या आप ये भी कह सकते हो, ये वाला क्या बना आपका यहाँ पे एंटी नोड, तो ये नोड एंटी नोड लैम्डा बाई फोर, ये नोड ये एंटी नोड लैम्डा बाई फोर, वही आएगा आंसर। तो एल कितना आएगा? थ्री लैम्डा बाई फोर, या फिर यहां से करके देख लो, लैम्डा बाई फोर प्लस लैम्डा बाई टू, एलसीएम फोर लैम्डा प्लस टू लैम्डा, कितना आया? थ्री लैम्डा बाई फोर। ठीक है, हाँ देखो ये नोड, फिर ये आपका एंटी नोड, एंटी नोड है यहाँ पे, ये देखो ये वाला, फिर ये एंटी नोड, ये नोड लैम्डा बाई फोर लैम्डा बाई फोर, और ये वाला भी फिर से यहां से क्या था बच्चों? लैम्डा बाई फोर। तो एल किसके बराबर आ गया बेटा? थ्री लैम्डा बाई फोर के बराबर। ठीक है, हाँ तो यहां से वी क्या, एफ टू, एफ लिख रही हूं मैं अभी, एफ लिख देती हूँ, देख तो क्या आएगा। देखो एफ क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे वी बाई लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा कितना आ गया बच्चों यहां से? फोर बाई फोर एल बाई थ्री। तो एफ बना वी बाई लैम्डा, लैम्डा कितना बना बच्चों? फोर एल बाई थ्री। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ वन क्या थी बच्चों? वी बाई फोर एल। तो ये एफ थ्री कह सकती हूँ मैं यहां से कि एफ थ्री कितना आया? थ्री, देखो ये बना एफ वन, थ्री एफ वन आ गया। देखो टू एफ वन नहीं आया इसको, यहाँ पे टू एफ वन नहीं आया, इसको सेकंड हार्मोनिक नहीं कहेंगे। यहाँ थ्री आया है तो इसको क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलोगे? थर्ड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक हमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में नहीं मिलेगा, सेकंड वाइब्रेशन या सेकंड मतलब कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की डबल फ्रीक्वेंसी। हार्मोनिक ऑर्डर का मतलब क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की डबल फ्रीक्वेंसी हमें क्लोज ऑर्गन पाइप में बच्चों नहीं मिलेगी। बोलो इतनी बात समझ आई या नहीं आई? एक बार रिस्पॉन्स करे मुझे बताए, नहीं आया तो कोई डाउट है तो बताइए मुझे। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एक बार बोलोगी, रिपीट करना तो मैं कर देती हूँ। आ गई, ठीक है, तो एक बार नोट कर लो इसको, फिर मैं आगे चलती हूँ। देखो रटना नहीं है, बुक से पढ़ोगे तो लगेगा पता नहीं क्या है ये, और कुछ भी नहीं है, समझ गए चलो बहुत ईजी है। हाँ ओके ओके, ठीक है, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट बेटा। तो इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई है मैं लिख लेती हूँ, v बाई फोर एल, v बाई फोर एल बेटा। ठीक है, हाँ अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर सेकेंड ओवर टोन की, सेकेंड ओवर टोन। ठीक है, ये आपके पास क्या है बेटा यहां से ऑर्गन पाइप, थोड़ी बड़ी सी बना लेती हूँ आपको, बस देख बाकी लेंथ हो ही है बच्चों, मैं बस आपको मोड ऑफ वाइब्रेशन अच्छे से दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। ठीक है, बाकी वही एल लेंथ है, बस आप लोगों को थोड़ा अच्छे से वाइब्रेशन दिख जाए इसके लिए ऐसा कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एंटी नोड बेटा, ये नोड, ये फिर देखो एंटी नोड यहाँ पे, ये फिर नोड, ये फिर एंटी नोड, और फिर यहाँ पे ये नोड। तो ये बना लैम्डा बाई फोर,
ये देखो ये एंटी नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, फिर से ये लैम्डा बाई फोर, ये एंटी नोड, ये नोड, फिर से लैम्डा बाई फोर, ये एंटी नोड, ये नोड, लैम्डा बाई फोर, ये एंटी नोड, ये नोड, ये लैम्डा बाई फोर। या तो मैं ऐसे कर लो, ये दोनों लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई फोर, लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर, कितना बनेगा ये लैम्डा प्लस लैम्डा बाई फोर, तो कितना आएगा फाइव लैम्डा बाई फोर। यहां से करते हो तो ये भी लैम्डा बाई टू सीधा सीधा, और ये भी कितना लैम्डा बाई टू, और ये बना इतना आपका लैम्डा बाई फोर, ठीक है। तो कितना आएगा फाइव लैम्डा बाई फोर, ये भी देखो लैम्डा बाई फोर, वन टू थ्री फोर और फाइव। तो अब की बार लेंथ ऑफ द पाइप कितनी है मिली बेटा आपको, एल फाइव लैम्डा बाई फोर। देखो अब की बार फोर नहीं मिला, तो ये क्या करेंगे सेकेंड ओवरटोन और फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक मिलेगा आपकी बार, फोर्थ हार्मोनिक नहीं मिलेगा। फोर्थ हार्मोनिक जब कहते हैं जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की टोन फोर टाइम हो जाती, लेकिन यहाँ पे कितनी होगी फिफ्थ होगी, मुझे दिख रहा है सीधा सीधा, निकाल के देख लेते हैं। एफ ये कितना आया, एफ थ्री आया था, एफ फाइव कितना आएगा वी बाई लैम्डा, लैम्डा आ गया बच्चों फोर एल बाई फाइव, फोर एल बाई फाइव, ये बना बेटा आपका फंडामेंटल था तो फाइव एफ वन, कितना मिला आपको फाइव। अंशु इतनी लेट, ठीक है समझ आ गया, बोलिए क्लियर। हाँ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, लिख इसे लिख रखा होगा ठीक है। हाँ तो देखो अभी हमें यहां से क्या मिल रहा है क्लोज ऑर्गन पाइप में, मैं कंक्लूजन लिख देती हूँ। सिमिलरली आगे बढ़ते जाओगे जब आप आगे चलते जाओगे तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सिमिलरली इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्या मिलेगा बच्चों, एफ सेवन क्या मिल जाएगा, सेवन एफ वन। तो इसमें फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, एफ वन एफ थ्री एफ फाइव एफ सेवन एस ओन, मतलब वन रेशो थ्री रेशो फाइव रेशो सेवन रेशो नाइन, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का रेशो मिलेगा इसमें। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो एनथ ओवर टोन, ओवर टोन कितनी है टू एन प्लस वन बराबर होगी हार्मोनिक के, हार्मोनिक के। देखो एन की वैल्यू वन लूंगी, ठीक है एन की वैल्यू वन है यहाँ पे, वन मतलब फर्स्ट ओवर टोन, फर्स्ट ओवर टोन किसके बराबर होगी टू एन प्लस वन हार्मोनिक के, ऐसे लिख लो टू एन प्लस वन हार्मोनिक के बराबर होगी ये। तो हार्मोनिक कितनी आई यहां से थ्री, थर्ड हार्म, तो फर्स्ट ओवर टोन थर्ड हार्मोनिक। इसी तरह एन की वैल्यू टू लोगे तो सेकेंड ओवर टोन, मैं अलग से लिखती हूँ आप उतार लो, यहाँ पे ओवरटोन और हार्मोनिक में रिलेशन कुछ ऐसे आ गया जनरल, ठीक है। यहाँ पे आपको ओवरटोन और हार्मोनिक में रिलेशन कैसे मिला, ओवरटोन हार्मोनिक क्या था टू एन प्लस वन, एन की वैल्यू वन लिखोगे तो क्या आया आपका फर्स्ट ओवरटोन किसके बराबर था थर्ड हार्मोनिक के, थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक। इसी तरह सेकेंड ओवरटोन किसके बराबर था फिफ्थ हार्मोनिक के, इसी तरह थर्ड ओवरटोन सेवंथ हार्मोनिक के। ये देखो ये चीजें यहां से एन की वैल्यू वन लोगे तो ये तीन मिलेगा इस फॉर्मूले में, एन की वैल्यू टू पुट करोगे तो फाइव मिलेगा, एन की वैल्यू थ्री पुट करोगे तो सेवन। तो ये रिलेशन आ गया आपका किसका, हार्मोनिक और टोन के बीच में। तो मतलब कि
2n प्लस 1 हार्मोनिक किसके बराबर होगी? ओवरटोन के, nth ओवरटोन के, nth है ओवरटोन के। समझ आ गया? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप में कितनी होगी? v/4l। और कल स्ट्रिंग में क्या थी? 1/12 t/μ स्ट्रिंग में कल पढ़ी थी, तो स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी? 1/12 t/μ। बोलो आई समझ में बेटा? रिया अग्रवाल इतनी लेट, बोलो क्लियर हुआ बेटा इतना ही सबको? यस मैम। रिया अग्रवाल इतनी लेट कैसे आई है, क्या कर रही थी? रिया अग्रवाल आज के बाद बीच में आओगे तो एडमिट नहीं करूंगी। इतनी लेट कैसे आई है? आज के बाद बीच में आओगे ना तो फिर एडमिट नहीं करूंगी। विद इन 1 or 2 minutes अटेंडेंस होगी और तभी आप कल से ज्वाइन करेंगे। नेटवर्क इशू हो वो बात दूसरी है, कोई टेक्निकल इशू हो जाए। अब हम बात करते हैं बेटा ओपन ऑर्गन पाइप की। अभी तक हमने बात करी किसकी? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। अब हम पढ़ेंगे बेटा ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है? ओपन ऑर्गन पाइप। हाँ देखिए, ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा बेटा? देखो ओपन का मतलब पाइप दोनों साइड से कैसी है बेटा? ओपन है। पाइप दोनों साइड से कैसी है? ओपन। तो इसके अंदर जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है कुछ ऐसे बनेंगे आपके पास। इसी तरह इस केस में मोड ऑफ वाइब्रेशन ऐसे जाएंगे। ये देखो ओपन का मतलब मैंने बताया था ओपन एंड पे क्या मिलेगा? एंटी नोड। और क्लोज एंड पे क्या मिलेगा आपको? नोड। तो यहाँ पे भी एंटी नोड मिलेगा और यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको? एंटी नोड। यहाँ क्या होगा आपका? नोड। दोनों साइड से लेंथ एल है। नोड और एंटी नोड के बीच की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? λ/4। इसी तरह नोड और एंटी नोड के बीच की रेजिस्टेंस बच्चों λ/4। एल किसके बराबर हो गया बच्चों? 2λ/4, ठीक है? तो लैम्डा किसके बराबर हो गया? 4l/2 के। अभी काटेंगे नहीं, बाद में देखेंगे। फ्रीक्वेंसी एफ क्या है बेटा? v/λ। तो f1 कह दो इसको आप फंडामेंटल के लिए। v/λ कितना बेटा? 4l/2। 4l/2 काट लो, काट कट रही है यहाँ पे, तो v/2l कितना आ गया? v/2l। तो ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या मिली बच्चों? v/2l। अब बात करते हैं बच्चों सेकेंड ओवर, फर्स्ट ओवर टोन की। फर्स्ट ओवर टोन, और देखते हैं कि सेकेंड हार्मोनिक बनेगा या फिर नहीं बनेगा। देखेंगे ये न्यू ब्रेकर के नाम से आईडी किसकी आ रही है, मैं एंट्री नहीं दूंगी इसको। अपने नाम से आओगे तो एंट्री दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। फर्स्ट ओवर टोन, ठीक है? हाँ। तो फर्स्ट ओवर टोन क्या होगा आपके पास? देखते हैं आपके पास मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या बन सकता है आपका। देखेंगे सेकंड हार्मोनिक आपके पास बन भी रहा है या फिर नहीं बन रहा है आपके पास, ठीक है? तो देखिए
वाली थर्ड पे चली गई मैं, एक सेकंड भाई, मैंने ज्यादा बना दिए मोड ना। मोड दो ही बनने थे। ठीक है, ऐसे बनेंगे ये फर्स्ट, ऐसे ये आपके पास ऐसे ऐसे। तो ये बच्चों नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये आपका एंटी नोड, ये भी आप एंटी नोड कह सकते। ठीक है, तो देखो नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर, ये नोड और ये आपका एंटी नोड लैम्डा बाई फोर, ये फिर से लैम्डा बाई फोर, और फिर ये नोड और ये वाला एंटी नोड फिर से लैम्डा बाई। अरे आया समझ में नहीं आया? देखो ये एंटी नोड था, ये नोड देखो, ये एंटी नोड है ना, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर, फिर यहाँ से यहाँ तक की लैम्डा बाई फोर, फिर देखो ये दोनों लैम्डा बाई फोर यहाँ तक, फिर ये दोनों यहाँ से यहाँ तक, फिर से लैम्डा बाई फोर। तो एल कितना आया बच्चों यहाँ से? फोर लैम्डा बाई फोर, फोर लैम्डा बाई फोर। और इतना ही आएगा एल, कितना आएगा? फोर लैम्डा बाई फोर। एफ टू देखते कितना आया यहाँ से, एफ टू वी बाई लैम्डा, वी बाई लैम्डा, लैम्डा आ जाएगा फोर एल बाई फोर। अभी काटेंगे नहीं, देखेंगे आगे। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू है बच्चों फोर एल बाई फोर। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों? माले मैं काट भी दूं तो ये लैम्डा बराबर एल आ गया, मैं ये लिख देती हूँ। ठीक है, ये कितनी वी बाई टू है, लेकिन ये कितना है वी बाई एल। इसको क्या करती हूँ, इस फॉर्म में बनाने के लिए दो से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दो से डिवाइड, ये बन गई बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो F2 कितना आ गया बच्चों? 2F1 के। इसमें हमें सेकंड हार्मोनिक मिल रहा है, सेकंड हार्मोनिक। अरे वैसे देखो ये V by 2 है, ये V by L है, तो ये इसे डबल ही है। V by L, V by 2 L से क्या होगा बेटा? डबल ही तो होगा। तो इसमें हमें ये क्या मिली? सेकंड हार्मोनिक। बोलो बात आई समझ में? चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ फिर आगे चलते हैं, एक बार एक और बनाती हूँ मोड, एक बार नोट कर लीजिए इतना। हाँ कर लिया। अब इसमें हम बात करते हैं, सेकेंड ओवरटोन, ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक, हार्मोनिक थर्ड मिलेगी इसमें, देखते हैं मिलती है नहीं। वही पाइप बनाते हैं बच्चों, उसमें दो बार पी, इसमें दो बार पी बजी, इसमें तीन बार बजा देते हैं। एंटी नोड, रेड पेन कर दिया ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये फिर आपका एंटी नोड। ठीक है, हाँ पी पी बजा लें है भाई, इससे ऐसे। ठीक है, ऐसे जा, तो देखिए यहां से ये एंटी नोड, ये डिस्टेंस लैम्डा बाई फोर, ये भी एंटी नोड है, ये भी कितनी होगी लैम्डा बाई फोर, ये फिर से 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 लैम्डा बाई फोर। कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छ। ठीक है, तो एल किसके बराबर हो गया? सिक्स लैम्डा बाई फोर के। इसको लिख सकती हूँ मैं
थ्री लैमडा बाई टू के बराबर। तो लैमडा आ गया बच्चों 2L बाई थ्री, एट थ्री कितना आ जाएगा v बाई लैमडा, लैमडा की वैल्यू 2L बाई थ्री। ये फंडामेंटल थी, कितनी आ गई बच्चों 3F। समझ आया इतना? तो देखो इसमें अभी क्या देख रहे हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी F1, 2F1, 3F1, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, क्या कह रहा है भाई, एक सेकंड, मजाक नहीं करते भाई ये ये इंस्ट्रूमेंटल आपके डिवाइसेस है जिसके अंदर इस तरीके से वाइब्रेशन बनती है, जो म्यूजिक वाले सर कहते हैं ना एक बार टून ऐसे बजाओ, उन्होंने सिर्फ उस चीज को याद कर रखा है, एक्चुअल में वो फिजिक्स है। उस फिजिक्स के बेसिस पे जिस किसी ने बनाया उसने वाइब्रेशन बनाई, उसके बेसिस पे ही ये सुर ताल धुन ये सारी इंडस्ट्री इसी के बेसिस पे चल रही है। फिजिक्स ना हो तो म्यूजिक ना, और म्यूजिक ना हो तो ना इंडस्ट्री हो ना फिल्म इंडस्ट्री हो, ठीक है? इसलिए फिजिक्स बहुत जरूरी है। हाँ तो देखिए इस केस में हमें क्या मिला बेटा, यहां से आपको मैं एक बार दोनों का कंपैरिजन कर देती हूँ। इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या मिली ओपन में, किस रेशो मिली, 1:2:3:4 ठीक है। हाँ अब मैं एक बार दोनों का कंपैरिजन कर देती हूँ आपके सामने। एक साइड ओपन लिख लो, एक साइड क्लोज लिख लो, ठीक है? क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है? हाँ, ओपन ऑर्गन पाइप में एनएथ ओवरटोन, ओवरटोन और हार्मोनिक रिलेशन कितना था, एन प्लस वन का, क्या आएगा एन, देखो एन की वैल्यू वन रखोगे तो फर्स्ट ओवर टोन। इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले वी बाई टू एल, क्लोज में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आपकी F1 वी बाई फोर एल होगी, ठीक है? हाँ फर्स्ट ओवरटोन किसने के बराबर है, आपके पास एन की वैल्यू वन लोगे तो क्या मिलेगा 2F1, सेकंड लिखोगे तो सेकंड ओवरटोन कितने के किसके बराबर हो गया 3F1 के, इसी तरह थर्ड 4F1 की, एज सोन फ्रीक्वेंसी रेशियो मिला 1:2:3:4 एज सोन। इसमें एनएथ ओवरटोन और हार्मोनिक में रिलेशन कितने का था 2N+1 का, एन की वैल्यू 1 लिखोगे फर्स्ट ओवर टोन किसके बराबर थी थर्ड हार्मोनिक के 3F1 के, सेकंड ओवर टोन 5F1 के, थर्ड ओवर टोन 7F1 के, एसोन फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या मिला 1:3:5:7:9 एज ए सो। ये आपने पढ़ा ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप, नोट करिए बेटा इसको। इतने में कोई डाउट है तो बताइए, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अगर ये समझ आ गया तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, क्लियर हो गया?
ले लेगा स्किन सॉर्ट, फिर मैं आगे अगर न्यूमेरिकल करवाती हूँ इस पे बेस्ड। यस मैम। हाँ चलिए न्यूमेरिकल्स देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ ओवरटोन ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप, फिफ्थ ओवरटोन ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इन रेजोनेंस ट्यूब, इज इन रेजोनेंस विद सेवंथ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। फाइंड द रेशियो एलसी बाई एल नॉट। क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इन रेजोनेंस। देखिए यहां इसका मतलब क्या बच्चों, रेजोनेंस का मतलब है यहां पे कि इसकी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी मेन फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। ठीक है, वैसे रेजोनेंस का मतलब यहाँ पे पीक फ्रीक्वेंसी भी होता है, पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, पीछे ही पढ़ाना था ऑसिलेशन में, पर ही आपका कंसेप्ट रह गया वहाँ पे, फिर भी बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा था आपके पास, जैसे आपके घरों में बंदरवाल वगैरह जैसे लगी रहती है ना, कई बार देखा होगा, तो जिसमें देखा ऐसे छोटे छोटे लट्टू से लगे रहते, छोटे बड़े कुछ ऐसे है ना, ऐसे लगे रहते ना, तो माने सबसे मैक्सिमम ये है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी इनसे मैच कर जाए, माने इससे मैच कर गई या फिर इससे मैच कर गई, उसे बोल रहे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी से क्या कर जाती है, मैच कर जाती है, उसे बोल रहे आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाँ यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बेटा, कि फिफ्थ ओवर टोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, फिफ्थ ओवर टोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, सेवंथ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। इसमें देखो हार्मोनिक और ओवरटोन का कंसेप्ट याद रखना बहुत जरूरी है बेटा यहाँ पे। ठीक है, हाँ देखो फिफ्थ ओवरटोन, तो फिफ्थ ओवरटोन क्या था, 2n+1 ना, क्या लिखोगे n की वैल्यू 5, तो क्या बनेगी 11 f1 के बराबर। और फिफ्थ ऑर्डर का मतलब n की जगह 5 रख दो यहाँ पे, 5 × 10 = 11 11 f1 किसके बराबर है, nth हार्मोन सेवंथ हार्मोनिक के। तो यहाँ पे सेवंथ हार्मोनिक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सिक्स्थ ओवरटोन होगा। ठीक है, तो सेवंथ हार्मोनिक मतलब 7 f1, ये क्लोज के लिए है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ये ओपन के। 11 क्लोज के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी बच्चों, v/4 lc, क्लोज के लिए लेंथ lc लिख देती हूँ, और ओपन के लिए क्या थी बच्चों, v/2 lo, जो कटता है वो काट दो, v से v कैंसिल, या 2 से 2 भी काट दो, 11/2 lc 7/la नोट के। क्या पूछा, lc/l नोट, lc को इधर ले जाओ, तो 11/7 × 2 lc/l नोट, lc/l नोट कितना आ गया बच्चों, 11/14, कितना आ जाएगा 11/14, बोलो आया समझ में, बोलो
क्लियर इतना? yes, हाँ आगे देखिए, हाँ एक क्वेश्चन और देखिए आगे, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक बार बुक के क्वेश्चन और लगा लेना प्रैक्टिस के लिए होने के बाद, एक बार आपके दो टॉपिक और बचेंगे इसके न्यूमेरिकल होने के बाद, एक बीट फ्रीक्वेंसी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ जी हाँ बोलो बेटा। हाँ बुक में तक तो एन माइनस वन दे रखा है, वो एन की वैल्यू डिफर कर रखी होगी, फिर वहां से देखो एन की वैल्यू जीरो से स्टार्ट कर रखी होगी या फिर वन से। मैंने कहा था टू एन माइनस वन भी लिख सकते हो और 2n प्लस 1 भी लिख सकते हो। प्लस लिखते हो तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हो और माइनस लिखते हो तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर देते हो। n की वैल्यू डिफर कर रखी होगी फिर वहां पे, ठीक है? okay. हाँ और आप ये आप खुद भी देखो ना बुक में क्या लिख रखा है, डजन मैटर। आपने जो निकाला वो आपका मैच कर रहा है इस जर्नल से या नहीं कर रहा है बोलो, है ना? तो आप उसे देखेंगे ना, जो सही है उसे देखिए। माइनस नहीं आएगा, वो कुछ किसी और वे में लिख रखा होगा, मेरे पास भेजना मैं देखती हूँ। वो कुछ और कहना चाह रहा होगा वहां पे शायद, आई थिंक ये प्रदीप वाली बुक में हो मे बी ना। अगला क्वेश्चन है आपका, ए पाइप ओपन, ए पाइप ओपन एट बोथ एंड हैज ए फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। ये आई थिंक आईआईटी 2004 का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है? द पाइप इज डिप्ड वर्टिकली इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर, हाफ ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर, द फंडामेंटल The fundamental frequency in air, frequency of air column is क्या होगी? ऑप्शन दे रखा आपको ए एफ बाई टू, ऑप्शन बी एफ, ऑप्शन सी दे रखा आपको 3f/4 और ऑप्शन डी दे रखा आपको 2f। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि एक पाइप है, ये पाइप ओपन एंड बोथ द एंड, एक पाइप है दोनों एंड से ओपन है जिसकी लेंथ l है एंड हैज ए फ्रीक्वेंसी f इन एयर, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी f है, ठीक है? द पाइप इज डिप्ड वर्टिकली इन ए वाटर। अब इस पाइप को वर्टिकली वाटर में डिप कर दिया, तो देखो ये वाला एंड कैसे ट्रीट करेगा, ऐसे क्लोज्ड एंड की तरह ट्रीट करेगा क्योंकि रे किधर आएगी, एयर टू डेंस, फिक्स्ड एंड की तरह ट्रीट करेगा ना। देखो मैंने स्ट्रिंग में समझाया था ये फिक्स्ड एंड है, तो रे किधर जा रही है, एयर टू डेंसर, एयर टू डेंसर जा रही, ठीक है? तो ये जब आ गया तो कैसे ट्रीट करेगा ऐसे, फिक्स्ड एंड मतलब कि ये क्लोज्ड एंड हो गया, यहां से एक एंड कैसा हो गया, मतलब एक तरीके से उसने कह दिया कि ये पाइप ओपन है और ये पाइप कैसी है बच्चों, क्लोज्ड है, ये पाइप कैसी है बेटा, क्लोज्ड। जब फिर उसने कहा था पाइप वर्टिकली इन वाटर सो दैट हाफ ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर, मतलब कि आधी लेंथ इसकी बाहर है और आधी लेंथ किसमें, आपकी वाटर में। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है आपके पास ये, ठीक है?
देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस सिचुएशन में, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिर क्या हो जाएगी? तो देखो कुछ नहीं है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज ऑर्गन पाइप पे कितनी थी बच्चों, वी बाई फोर एल के, लेकिन ये एयर में कितनी है लेंथ इसकी, एल बाई टू, तो यहाँ क्या लिख दोगे, एल बाई टू, तो टू से टू कैंसिल, तो एफ डैश कितना है, वी बाई टू एल, और ओपन ऑर्गन पाइप में भी कितनी होती है बच्चों, वी बाई टू एल, तो एफ डैश देखो ये भी वी बाई टू एल आया और ये भी कितना है, वी बाई टू एल, तो एफ डैश किसके बराबर आ गया, एफ के, एफ डैश किसके बराबर आ गया, एफ के, ये क्या आ जाएगा आपका, ओपन ऑर्गन पाइप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से आपको, ठीक है। देखो एक बार बताइए, कुछ नहीं समझ आया तो इसमें, अरे बताइए आ गया फिर से समझाओ, नहीं आया तो ओपन है पानी में डाल दिया तो कैसे ट्रीट करेंगे, क्लोज की तरह, पर एयर में कितना पार्ट है सिर्फ, एल बाई टू, तो एल लेंथ कितनी लिख लोगे, एल बाई टू, आपकी क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ हो जाएगी आपकी एल बाई टू हो जाएगी, ठीक है। हाँ एक दो न्यूमेरिकल और रहेगी फिर वो कल की क्लास में देखूंगी, अभी ट्वेल्थ क्लास से आ जाएगी ना, ठीक है बेटा। एक बार अटेंडेंस लेती हूँ एक बार मैं, एक मिनट।